नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। 2 साल से गिरा घर, आवास के लिए दर दर भटक रहा ग्रामीण। चित्रकूट सचिव व प्रधान के दबंगई से नहीं मिल पा रहा है आवास। जिले से महज 12 किलोमीटर दूर गोवरिया बुजुर्ग में प्रधान की दबंगई आशियाना चढ़कर बोल रहा है, पात्रों को आवास नहीं मिल पा रहा है। अब पात्रों को आवास दिए जा रहे हैं, यह बात वहीं के जलेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, घर नहीं है, किराए से रायपुर में रहता हूँ, कमाता खाता हूँ, परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मैं दर दर के ठोकरे भी खा रहा हूँ, आवास नहीं मिल पा रहा है। नाम जलेन सिंह है, गोबरिया बुजुर्ग का रहने वाला हूँ। आवाज़ के लिए दर दर भटक रहा हूँ। मेरा घर पानी की वजह से पूरा गिर गया। 2 साल हुए घर घर गिरे हुए, कोई सुनाई नहीं कर, कोई सुनता नहीं है। डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दिया, जांच के लिए वो लोग आए या नहीं आए मैं तो जानता ही नहीं। यहाँ से उनको बता दिए कि वो लोग रायपुर में रहते हैं। अब रायपुर में सर हम लोग कितना दिन रहेंगे वहाँ? 2 साल से हम वहीं रह रहे हैं, कमाने खाने के लिए जाते हैं सर। अब वहाँ से यहाँ आते हैं तो किसके यहाँ रुकें, किसके घर में रुकें? संबंधित अधिकारी को क्या दिया, ज्ञापन दिया था आपने? क्या किया उसने? ज्ञापन दिया ना डीएम के यहाँ, क्या हुआ उसमें? उसमें कोई कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कौन सा गांव है, गांव का नाम? गुबरिया बुजुर्ग। मेरा नाम जालेन सिंह है। पेश है चित्रकूट से राधा बिहारी पाठक की खास रिपोर्ट।